हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आपको ये ब्लेंडिंग स्टम्प मार्केट में 100 रुपीज़ में मिलता है, तो आप सेम इस तरीके का ब्लेंडिंग स्टम्प किस तरीके से अपने घर पे बना सकते हैं बिल्कुल इजी वे में, और वो बिल्कुल उसी तरीके से काम करेगा जैसे ये ब्लेंडिंग स्टम्प मार्केट वाला काम करता है। सो चलिए देखते हैं हम इसे किस तरीके से बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको इस तरीके का पेज यूज़ करना है। ये रफ़ कॉपी का पेज है जो हम रफ़ के लिए यूज़ करते हैं, और आपको ये इस तरीके का नॉर्मल पेज और ये फोटो कॉपी वाला पेज, इस तरीके का पेज यूज़ नहीं करना है क्योंकि ये काफ़ी स्मूथ रहता है तो इससे अच्छी तरीके से ब्लेंड नहीं हो पाता। सो आपको सिर्फ यही रफ़ पेपर ही यूज़ करना है जो कि इजीली मिल जाता है। और कट करने के लिए आपको इस तरीके का एक कटर चाहिए और एक टेप। आप किसी भी टेप का यूज़ कर सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। तो सबसे पहले हमें एक पेज लेना है, और पेज के इस कोने को आपको इस तरीके से रोल करना है। आप देख सकते हैं किस तरीके से मैं कर रहा हूँ, बस अपनी उंगलियों को दबाते हुए रोल करना है। सो आपको धीरे धीरे इसी तरीके से रोल करना है। आप देख सकते हैं कैसे कर रहा हूँ मैं। रोल करके बस आपको यहाँ पे टेप लगा लेना है बिल्कुल इसी तरीके से। तो हमारा ये स्टिक तैयार हो गया है। अब आपको देखना है कि कहाँ पर सेंटर से थोड़ा आगे पर कहाँ पर दबाने पे ये नहीं दब रहा है, तो आपको वहाँ से कट करना है बिल्कुल इस तरीके से। और आपको देखना है कि कट करने के बाद अंदर स्पेस नहीं होना चाहिए। अगर आपको स्पेस दिखे तो आप इसे थोड़ा सा और कट कर लें। और ये पॉइंट हमको मिल गया है। अब इसे शार्प करना है बिल्कुल जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ, उस तरीके से धीरे धीरे इसे कट करना है। बिल्कुल इसमें शार्प एज बनाना है। जिस तरीके से हम पेंसिल शार्प करते हैं उस तरीके से हमें इसे शार्प करना है। और अब सैंड पेपर में इसे अच्छी तरीके से शार्प कर ले जैसे मैं कर रहा हूँ। अब हमें अच्छी तरीके से शार्प एज मिल गया है, और अब इसे इसकी लेंथ को थोड़ा छोटा करना है तो हम यहाँ से कट कर लेंगे। तो मैं कटर के थ्रू यहाँ से कट कर रहा हूँ, और अब यहाँ पे टेप लगा लेना है ताकि ये निकले ना। सो आपका ब्लेंडिंग स्टम्प अब तैयार है, और अब इसे नॉर्मल ब्लेंडिंग स्टम्प की तरह आप यूज़ कर सकते हैं। आप इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट साइज़ का स्टम्प बना सकते हैं। आपको मोटा बनाना है तो आप ज़्यादा पेपर यूज़ कीजिए, पतला बनाना है तो कम पेपर यूज़ कीजिए। सो इस तरीके से इजी वे में आप ये ब्लेंडिंग स्टम्प बना सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरीके का ट्यूटोरियल वीडियो अपने इस चैनल पे लाते रहता हूँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।